हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने क्लासिक 350 को नीचे की तरफ लिटा कर रखे हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे बाइक में इंजन ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और ये भी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है। दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि इसका ड्रेनेज का जो ऑप्शन होता है इंजन ऑयल का, वो नीचे की तरफ होता है। तो जब भी हम लोग मोबिल रिफिल करवाते हैं, उस दौरान नीचे से ड्रेन करने के दौरान जब हम लोग वोल्ट को खोलते हैं और वापस से जब उसको फिट करते हैं, तो वो अच्छे से उसका गुना पर नहीं बैठता है और हम लोग जब टाइट करते हैं तो वो गुना जो है वो कट जाता है, जिस वजह से वो उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और फिर इंजन ऑयल जो है वो लीक करने लगता है। तो दोस्तों, आज इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, लेथ का काम करेंगे इसमें और उस गुना के साइज को हम लोग बड़ा करेंगे और बड़ा करके इसमें हम लोग बड़ा वोल्ट लगाएंगे, जिससे वो अच्छे से फिट हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग लेथ का काम करेंगे और गुना का साइज़ जो है वो बड़ा करेंगे, क्योंकि पुराना जो गुना है वो कट चुका है और वोल्ट जो है उसमें सही से नहीं लग पा रहा है, इस वजह से इंजन ऑयल लीक कर रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि गुना का बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, उसमें ग्रीस लगाया हुआ है। ग्रीस लगाने का दोस्तों कारण ये है कि जब गुना का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें का मेटल जो है वो कटेगा, और कटेगा तो वो अंदर ना रह जाए या इंजन के अंदर ना चला जाए, इसीलिए ग्रीस लगाया गया है कि वो सारा जो मेटल कटेगा वो सब कुछ ग्रीस में चिपक कर बाहर आ जाए, तो आगे इन फ्यूचर हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो उस कटे हुए मेटल की वजह से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारीकी से ये काम किया जा रहा है, गुना का साइज़ जो है वो बड़ा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये काम करवाना है, आपको भी लेथ का काम करवाना है, तो आप किसी भी व्यक्ति से ना करवाएं, किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं जिसको इस काम में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक बार अगर वो गुना बढ़ाते समय थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो वो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से ये काम को किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, फाइनली लेथ का काम जो है वो पूरा हो चुका है और गुना का साइज़ बढ़ाने के दौरान जो भी मेटल्स कटे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वो सारा ग्रीस के साथ चिपक कर बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कितना सारा मेटल जो है कट के बाहर निकला है। तो अगर दोस्तों हम लोग इसमें ग्रीस नहीं लगाते तो ये सारा जो वेस्टेज मेटल्स है वो अंदर रह जाता और इन फ्यूचर हमारे गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था वो। इसलिए दोस्तों, हम लोग ग्रीस लगाते हैं कि वो सारा कटा हुआ वेस्ट मेटल्स जो है वो ग्रीस के साथ बाहर आ जाए, और उसके बाद भी दोस्तों हमें एक साफ़ कपड़े से उसको अंदर तक डालकर जो भी हम लोग गुना बनाए हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ मेटल है वो उस कपड़े के साथ बाहर निकल जाए, ताकि इंजन ऑयल रिफ़िल करने के दौरान वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स ना हो और इंजन में हमें बाद में प्रॉब्लम ना करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से इसे साफ़ किया जा रहा है, और साफ़ करने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि देखिए इसका गुना का साइज़ पहले से कितना बड़ा हो गया और कितना बेहतर हो गया। तो अब इसमें एक साइज़ बड़ा वोल्ट हम लोग लगाने का काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दोनों वोल्ट का कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। आपके राइट हैंड साइड में जो वोल्ट दिख रहा है वो पुराना वाला है और लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो नया वाला है, उसी को हम लोग इसमें लगाएंगे जो गुना का साइज़ बड़ा किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग नया वाला वोल्ट जो है वो हम लोग अब वापस से जो गुना बनाए हैं उसमें लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छे से इसमें फ़िट हो रहा है दोस्तों। तो फिट अच्छे से हो जाएगा तो उसमें कोई गैप नहीं रहेगा और मोबाइल लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद दोस्तों, हम लोग WD-40 से जो भी गंदगी है उसको हम लोग साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम लोग इंजन ऑयल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।